एवरीवन, दिस इज मी साकिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपसे सीक्रेटली क्या रिवील करना चाहता है, क्या है उसके दिल में जो आपसे कहना चाहता है बट कह नहीं रहा। वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। हम इसमें उनके मैसेजेस ऐड करेंगे और साथ साथ में उनकी फीलिंग्स भी जानने की कोशिश करेंगे विद टैरो कार्ड्स। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या है उनके दिल में राइट नाउ आपके लिए, जो वो फील कर रहे हैं और क्या रिवील करना चाहते हैं सीक्रेटली अपने मैसेजेस के साथ। पहले दो कार्ड्स हैं हमारे पास, एट ऑफ पेंटिकल्स और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वाओ, मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं वो फ़िलहाल तो इस मोड में नहीं है या इस मूड में नहीं है कि अपनी फीलिंग्स रिवील करना चाह रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि किसी ऐसी चीज़ के ऊपर वो काम कर रहे हैं जिसके बाद उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है आपके बारे में एक्शन लेने के लिए। मुझे लगता है कि सोचते वो डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो काम कर रहे हैं, चाहे वो अपने वर्क में बिज़ी हैं, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ बिज़ी हैं, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। बट एट द सेम टाइम उनको अभी आपकी तरफ एक्शन लेने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। सो डेफिनेटली वो आपके बारे में सोचते हैं बट एक्शन में मुझे लगता है कि उनसे कमी हो रही है। कहीं ना कहीं आप अगर इन टच हो तब भी और आउट ऑफ टच हो तब भी मुझे लगता है कि वो एक्शन लेने की पोजीशन में फिलहाल नहीं है। सो अगर आप राइट नाउ इन टच हो इस इंसान से तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा फील होता होगा कि जैसे पर्सन इग्नोर कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो किसी काम में बिजी है। बट वो डेफिनेटली आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो स्टिल उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना था। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको लगता है कि आपका पर्सन इज़ बिकमिंग कोल्ड टूवर्ड्स यू, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम उनकी लाइफ देखें, उनके यू नो इफ़ यू गेट इन देयर शूज़, तो आपको रियलाइज़ होगा कि शायद इस तरह की सिचुएशन में आप भी ऐसे ही शायद ऑक्यूपाइड होते कि आप एक्शन नहीं ले पाते। करना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, मिलना चाह रहे हो, एक्शन लेना चाह रहे हो बट ले नहीं पा रहे हो। सो इस तरह का सिनेरियो है आपके पर्सन का राइट नाउ। सो डेफिनेटली वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं और उनके दिल में आपको लेकर सब कुछ वैसा है जैसे था। सो मुझे नहीं लगता कि कुछ बदला है, बट आप क्योंकि पर्सन की तरह से एक्शन में देखने में आपको कमी फील हो रही है तो मुझे लगता है कि यू फील दिस हार्ट उसके उसके बिहेवियर की वजह से। लेट्स सी कि क्या फीलिंग्स हैं उसके दिल में आपको लेकर। डेफिनेटली उसका दिल करता कि वो उड़कर आपके पास आए, यू नो वो जो मैक्सिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो राइट नाउ कि आपके पर्सन का दिल करना चाहिए वो करना वो करता है। बट मुझे लगता है कि वो कर नहीं पा रहा वो चीज़ें, चाहे वो आपको कमिटमेंट देना है, चाहे वो आपसे शादी करना है, चाहे वो आपकी तरफ एक्शन लेना है। देयर इज़ समथिंग ओवर द अदर जिसकी वजह से वो गार्डेड है राइट नाउ। वो जैसे होता है ना कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ताकि जो करंट सिनेरियो जिसके साथ वो बिजी हैं, सिचुएशन जो उनकी लाइफ में चल रही है वो उसको हैंडल कर सकें। अगर वो आपके पास आएंगे या आपके साथ रहेंगे या आपसे ज़्यादा बात करेंगे, शायद वो अपना फोकस लूज़ कर जाएंगे काम से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जो कि शायद वो रिस्क नहीं लेना चाहते राइट नाउ। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज बीइंग अ लॉट फॉर यू। उनका दिल बहुत कुछ करने को कर रहा है लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ रहा है उनको। यू आर स्टिल देयर हैप्पीनेस। आपका मैसेज आना, आपसे बात होना उनको पसंद है अब भी जैसे पहले पसंद था, लेकिन सम हाउ मुझे लगता है कि आप दोनों के कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं। आपको लगता है कि पर्सन जो है शायद पुल अवे हो रहा है, ये गार्डेड है, बट ऐसा नहीं है। आपका पर्सन आपके बारे में सोचता है, आपको मिस करता है, लेकिन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा राइट नाउ। दैट्स द बेस्ट यू नो इट्स मोर लाइक मैं 10 दफ़ा शायद बोल चुकी हूँ ये चीज़, वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है बट ले नहीं पा रहा। लेकिन आई कैन नॉट एम्फसाइज अनफ ऑन द फैक्ट कि पर्सन आपके बारे में सोचता है और आपको मिस करता है। लेकिन सम हाउ आप ऐसे कुछ लोगों के लिए नहीं, टेक वन मोर कार्ड, क्यों आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा या फिर आपको ऐसे इग्नोर क्यों फील हो रहा है। सी वन कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक। पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए। पर्सन टाइड है टू अ सिचुएशन एंड मुझे नहीं लगता कि इस टाइड सिचुएशन से वो निकल सकते हैं राइट नाउ। लेकिन जब निकलेंगे तो डायरेक्ट इस सिचुएशन में आएंगे कि वो आपको प्रपोज कर सकें या आपको कमिटमेंट दे सकें, या फिर अगर कुछ भी ऐसा नहीं तो लीस्ट जो वो कर सकेंगे वो ये है कि आपको इमोशनली फुलफिलमेंट दे सकेंगे, जो कि आप शायद डिज़ायर कर रहे हो राइट ना। हो सकता है कि आपका दिल करता हो कि एटलीस्ट बात तो करे, एटलीस्ट कम्युनिकेट तो करे, एटलीस्ट
यू नो सिचुएशन तो रिवील करे आपको, ये सब जो आपके दिल में सवाल है इस इंसान को लेकर, वो चाहता है कि एटलीस्ट मैं ये कर पाऊँ, लेकिन गिवन सिचुएशन में वो नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है आप ऐसे कुछ लोगों के लिए फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शन भी हो पर्सन के एंड पे, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। बट वट एवर द केसेस, सिचुएशन बदलेगी और पॉजिटिव हो जाएगी। लेट्स सी उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए गिवन सिचुएशन में, क्या रिवील करना चाहते हैं अपने मैसेजेस के साथ वो आपको। नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। अगर आपको लगता है कि आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ, या फिर पर्सन से बातचीत ख़त्म हुई है, या फिर बात उस तरह से हो नहीं पा रही है, एंड पर्सन के लिए इट हैज़ बीन वेरी इजी, और उसके लिए बहुत आसान है आपसे बात ना करना, या आपसे दूर हो जाना, या दूर रह पाना, ऐसा नहीं है। आपका पर्सन आपको रिवील करना चाहता है ये वी विल बी टुगेदर अगैन। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो डेफिनेटली आप और वो एक दूसरे के साथ दोबारा आओगे। तो अगर आपको फियर है कि ऐसा नहीं होगा, या शायद वो आपको मिस नहीं करते, तो इन सारे मैसेजेस के साथ जब तक हमने रिवील किए हैं उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस, मुझे लगता है कि ये पर्सन, इसको टाइम लग सकता है, बट ये डेफिनेटली आपके पास वापस ज़रूर आएगा। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को फियर भी था, जिसकी वजह से शायद उसने खुद आपको खुद से दूर किया है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आप उसको छोड़कर जाओ। तो हो भी सकता है कि पर्सन जो है वो थोड़ा अपनी फीलिंग्स को लेकर ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहा हो, और सेल्फिशली उसने आपसे कहे बगैर डिटैच किया हो अपने आप को। तो वो भी चांसेस है इस कार्ड के साथ, ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर आपके जहन में एक क्वेश्चन मार्क था कि क्यों ऐसा हुआ है कि उसने आपसे बात करना छोड़ी है, या क्यों अपने आप को डिटैच किया है, तो रीज़न आपके आपके माइंड में जो थॉट आता है वो नहीं है। रीज़न ये है कि उसको नहीं चाहिए था एक उसकी ईगो बर्स्ट हो विद दैट, कि आप उसको छोड़ दो, क्योंकि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, आपसे बात नहीं कर पा रहा, फैमिली को नहीं बना पा रहा, तो वो चाहता था कि वो खुद आपसे दूर हो जाए। लेट्स सी के और क्या रिवील करना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ अपने मैसेजेस के साथ। क्या है उसकी फीलिंग्स, क्या है उसके दिल में जो आपसे रिवील करना चाहता है अपनी फीलिंग्स, क्या है उसकी फीलिंग्स जो रिवील करना चाहता है। आपका पर्सन एडिक्टेड है आपको लेकर, और शायद ये एक मेजर रीज़न है कि वो कोशिश करता है कि आपसे दूर ही रहे, ताकि वो आपको लेकर और ज़्यादा ऑब्सेस ना हो जाए। डू यू लव मी द वे आई डू, आप में से मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि शायद पर्सन प्यार ही नहीं करता, और कहीं ना कहीं आपका पर्सन उसको लगता है कि आप उससे प्यार नहीं करते हो, और वो जानना चाहता है कि क्या आपका प्यार भी उसके लिए इतना स्ट्रांग है जितना उसका प्यार आपके लिए है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आप दोनों का प्यार का जो डिस्क्रिप्शन है वो डिफरेंट है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम ट्राइंग टू थिंक वट आई वॉन्ट टू से टू यू। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन हो सकता है कि कम्युनिकेट करे आपसे आने वाले कुछ दिनों में, और वो आपसे कहना चाहता है कुछ, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहे, किस तरह से अपने दिल का जो हाल है वो आपको रिवील करे, जहाँ पर आप अंडरस्टैंड भी करो, सिचुएशन भी बेहतर हो जाए, और जो आप दोनों के दरमियान में इशूज़ हैं वो भी रिजॉल्व हो सकें। लेकिन एट द सेम टाइम शायद आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाओ फॉर नाउ। वन द टाइम इज़ राइट आई एम मैरिंग यू एंड ओनली यू। सो डेफिनेटली आपका पर्सन रिवील करना चाहता है कि जब भी वक्त होगा शादी का, कमिटमेंट का, तो वो डेफिनेटली आपको प्रेफर करेगा, आपको चूज़ करेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन इज़ हॉन्टेड बाय द पास्ट जो आप दोनों का रहा है। सो ये भी एक मैसेज हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो देयर यू गो, लास्ट फ्यू मैसेजेस देखते हैं। बींग अ पार्ट हैज़ बीन डिफिकल्ट बट लाइफ चेंजिंग फॉर मी, आई वैल्यू यू मोर। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आपसे दूर रहकर जो एक एक्सपीरियंस जिया है उसने अपनी ज़िंदगी में, मुश्किल था बट उसने बहुत कुछ लर्न किया है इस एक्सपीरियंस से, वो आपको अब ज़्यादा वैल्यू करता है। आई चूज़ टू वॉक अवे और स्टे साइलेंट बट आई एम बैडली अफेक्टेड। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि बैडली अफेक्टेड है करंट सिचुएशन से, तो आप दोनों की चलती है, चाहे वो ऑन एंड ऑफ है, या फिर ऑन है, या फिर ऑफ है, सारी चीज़ों में उसको इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हो सकता है कि वो, लाइक आई सेड अर्लियर, वो अपना फोकस लूज़ नहीं करना चाह रहा किसी चीज़ को लेकर, इसलिए वो आपसे दूर है। उसको पता है कि वो आपसे बात करेगा तो वो डिट्रैक्ट होगा, जो कि शायद वो राइट नाउ नहीं होना चाहता है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।